अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स वेलकम टू माय कुकिंग चैनल तो फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं एक मिल्क शेक मिल्क शेक हम डेट्स मिल्क शेक बनाएंगे जिसमें हम खजूर का यूज़ करेंगे और साथ ही मिल्क यूज़ करेंगे फ्रेंड्स ये जो मिल्क शेक है ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं हमारे लिए और हमें तकरीबन दो दिन में या तीन दिन में अगर हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो हमें ये लाजमी पीना चाहिए दो या तीन दिन में अगर चाहो तो रेगुलर भी आप पी सकते हो इससे हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं हमारी कैल्शियम और हमारे आयरन जिस चीज़ की हमें कमी होती है वो पूरे

फ्रेंड्स खजूर में बहुत ज़्यादा बेशुमार फ़ायदे होते हैं और ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है हमारी स्किन से डेड वगैरह को ख़त्म करता है तो फ्रेंड्स आपने मिल्क शेक के लिए क्या करना है खजूर लेना है यहाँ पे मैंने पांच या छह खजूर लिए और इसे बीच से हाफ हाफ कर लिया है और इनमें से बीच निकाल लिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं दो गिलास मिल्क शेक बना रही हूँ तो इसलिए मैंने खजूर पाँच लिए हैं अगर आप एक गिलास बना रहे हो तो दो खजूर बहुत है क्योंकि कहा जाता है कि दो खजूर एक रोटी के बराबर फ़ायदेमंद पहुँचाती है अच्छा हमने क्या करना है इसमें खजूर ऐड कर देना है अपने जूस में और सेकंड आप इसमें मिल्क ऐड कर दोगे मिल्क मेरे पास आधा किलो है मैं वो ऐड कर दूंगी इसमें मिल्क यहाँ पे मेरे पास आधा किलो है फ्रेंड्स अब इसमें हम शुगर ऐड करेंगे शुगर आप अपने मर्जी से ऐड कर सकते हो अगर आप चाहो तो अगर आप कम यूज करते हो तो कम ऐड करो यहाँ पे मैं टू स्पून शुगर ऐड कर दूँगी ताकि इसको जो जायका है वो अच्छा हो जाए आप चाहें तो यहाँ कुमेल क्रीम वगैरह भी ऐड कर सकते हैं वो आपके ऊपर है फ्रेंड्स आप अपने मनुष्य को कितना ताकतवर बनाना चाहते हैं अच्छा हमने यहाँ पे ये सब ऐड कर दिया इनको मिक्स करके मैंने ग्लैंड भी कर लिया आप देख सकते हो फ्रेंड्स इस इसका कलर भी हल्का हल्का चेंज हो गया क्रीम कलर पे ये आ गया है फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो इसमें बर्फ़ आइस वगैरह ऐड कर लें या ठंडा पानी ऐड कर लें या फिर इसे ऐसे ही यूज़ कर लें अब मैं इसे गिलास में निकाल रही हूँ अच्छा तो इसे यूज़ किस तरह करना है आपने इसे निहार मुंह में लाजमी यूज़ करना है निहार मुंह जब आप सो के उठो तो नाश्ते से पहले इसे यूज़ करो इसके और भी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आप नाश्ते से पहले यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो कॉलेज जाते हैं जॉब पर जाते हैं वो यूज़ नहीं कर सकते तो आप ऐसे भी दिन में या फिर शाम के टाइम भी यूज़ कर सकते हो लेकिन अगर आपको ज़्यादा फ़ायदा चाहिए तो आप निहार मुँह से यूज़ करके देखो आपको एक हफ़्ते में ही रिज़ल्ट मिलेगा अगर आप रेगुलर इसे यूज़ करोगे तो बहुत से लोग होते हैं जो खजूर को खाना यानी कि अवॉइड करते उन्हें पसंद नहीं होता तो वो इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं उसका ज़ायका भी चेंज हो जाता है और इस तरह वो इससे फ़ायदा भी ले सकते हैं खजूर हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें इसे लाजमी यूज़ करना चाहिए हमें इसे नहार में लाजमी यूज़ करना चाहिए कहा जाता है कि दो खजूर खाने से एक रोटी जितना ताकत मिलता है और ये सच है क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो जो डाइट करते हैं तो वो भी क्या कर सकते हैं खजूर को निहारमू यूज़ कर सकते हैं इसे रोटी की जितनी ही उन्हें ताकत मिलेगा